नहीं लॉकडाउन है और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि हमने इसेंशल सर्विसेज ओपन रखी हैं और वो हम रखना भी चाहते हैं लेकिन उनको भी प्रशासन के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा हर दुकानदार को चाहे वो करियाने का है कमिस्ट है सब्जी मंडी का है हस्पताल है सरकारी है प्राइवेट है अपने दुकान के आगे एक लाइन लगानी पड़ेगी और हर डेढ़ मीटर पर उस पर निशान लगाने पड़ेंगे हर आदमी दूसरे आदमी से डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़ा होगा जो ये नहीं करेंगे उनके हम दुकानें बंद करवा देंगे केवल उन्हीं की दुकानें खुली रखने की इजाज़त देंगे जो हमारे हिदेशों की पालना करेंगे क्योंकि हम किसी भी प्रकार से भीड़ इकट्ठी नहीं होने देना चाहते हैं मैंने आदेश जारी कर दिए सरकारी अस्पतालों में भी हमने कहा ओपीडी की आप लाइनें लगाएँ निशान लगाए और एक मरीज से दूसरा मरीज जो है डेढ़ मीटर की दूरी पर खड़ा हो क्योंकि इससे बचने का एक ही मूल मंत्र है और वो है डिस्टेंसिंग वो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी बनाकर रखना और अगर वो दूरी बनाकर नहीं रखते हैं हम कोशिश कर रहे हैं हम सख्ती भी कर रहे हैं करेंगे भी कई जिलों में केसेस दर्ज भी किए हैं और अगर ये लॉकडाउन से ये लोगों ने हमें कोऑपरेट ना किया और जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ना हुआ तो हमें और कड़े कदम भी उठाने पड़ सकते हैं नहीं हम कोशिश कर रहे हैं अभी हम सारे जो ज़िलों की मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी है सभी एस से मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे हम फीडबैक लेंगे कि क्या स्थिति है कि क्या हम इसको जो लॉकडाउन है उसको ऐसा सक्सेसफुल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि लोग अपने घरों पर रहें आवश्यक काम के लिए अगर उनको जो आवश्यक वस्तुओं हमने इजाज़त दी है जाएं पर डेढ़ मीटर की दूरी बना कर रखें दुकानदार भी अपने कर्मचारियों को मास्क लगा कर रखें और सैनिटाइज़र की बकायदा वहाँ पर व्यवस्था करें जो इन आदेशों की पालना नहीं करेगा तो फिर हम आगे के बारे में सोच सकते हैं